सब्सक्राइब कीजिए प्रदीप करोले को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, क्या इसके यूजर्स होते हैं, इसको लगाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर को समझने से पहले हम इस वर्ड प्रॉक्सी का मीनिंग जान लेते हैं। तो इस प्रॉक्सी वर्ड का मीनिंग होता है रिप्रेजेंट समवन एल्स, मतलब किसी और को रिप्रेजेंट करना। मतलब किसी और की जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करना। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो मार्केट जा रहा है और आपको मार्केट से कोई चीज़ बुलानी है, तो आपने दोस्त के थ्रू उस चीज़ को बुला लिया। दुकानदार को वहाँ नहीं पता कि किसने बुलाया है और वो आपको नहीं जानता। तो इस तरीके से प्रॉक्सी सर्वर भी सेम हमारे लिए वैसे ही वर्क करता है, एक इंटरमीडिएट की तरह इंटरनेट और हमारे कंप्यूटर के बीच में। तो वो कैसे, उसे एक डायग्राम से समझते हैं। तो सपोज दैट कि ये मेरा कंप्यूटर है और ये प्रॉक्सी सर्वर लगा है और ये इंटरनेट है और ये वेब सर्वर है वेबसाइट के, जिस भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो उसका वेब सर्वर। और मेरे जो इस कंप्यूटर का आईपी है वो 10.0.0.1 है। तो विदाउट प्रॉक्सी सर्वर अगर हम बात करें तो आपकी जो रिक्वेस्ट है इस कंप्यूटर से डायरेक्ट जाएंगी इंटरनेट पे और इंटरनेट से उस वेब सर्वर पे जाएंगी जिस भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो, और उसके बाद इसका रिप्लाई थ्रू द इंटरनेट आपके कंप्यूटर पे आएगा। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस करें तो यहाँ इंटरनेट पे बहुत सारे हैकर्स हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर की कमियाँ ढूंढकर उसे हैक कर सकते हैं आपके कंप्यूटर को। तो इसलिए हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं। और हम समझते हैं प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स है और इसे हम लगाते क्यों है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम प्रॉक्सी सर्वर लगाते हैं अपने कंप्यूटर पे या नेटवर्क में तो रिक्वेस्ट कैसे जाती है। तो सबसे पहले जैसे आपने यहाँ प्रॉक्सी सर्वर लगाया है इस कंप्यूटर के ऊपर, तो सबसे पहले जो आपकी रिक्वेस्ट है, जैसे आपने टाइप किया u2.com, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है सबसे पहले इस प्रॉक्सी सर्वर पे गई और प्रॉक्सी सर्वर के बाद ये इंटरनेट पे गई और इंटरनेट के बाद इस वेब सर्वर पे गई यूट्यूब के, उसके बाद इंटरनेट से ही इसका रिप्लाई आया थ्रू द प्रॉक्सी सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर से फिर आपके कंप्यूटर पे। तो जैसे मैंने बताया था कि आप अपना काम फ्रेंड के थ्रू करवाते हो, सेम वैसा ही प्रॉक्सी सर्वर ने आपका काम किया। उसने youtube.com के सर्वर पे गए, वेब सर्वर पे गए और वेब सर्वर से आपके लिए वो उस पर्टिकुलर वेब पेज को आपके कंप्यूटर पे लेके आया। तो इसका फायदा ये हो गया कि अगर हैकर सब हैक मारना भी चाहे इंटरनेट पे, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है और हैकिंग पॉसिबल सिर्फ पब्लिक नेटवर्क में ही होती है, इसे आप याद रखिए। अगर ये प्राइवेट नेटवर्क है या मेरा कंप्यूटर प्राइवेट नेटवर्क में है तो उसे हैक नहीं मारा जा सकता, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आप इंटरनेट पे ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, ऐसे सिचुएशन में अगर हैकर्स हैकिंग का ट्राई भी करता है तो हैक क्या होगा, हैक प्रॉक्सी सर्वर होगा। आपका जो नेटवर्क है वो हाइड हो गया। अब इंटरनेट पे जिस भी वेब सर्वर पे आप जा रहे हो, इंटरनेट वालों को नहीं पता कि ये जो रिक्वेस्ट है इस कंप्यूटर ने भेजी है, रिक्वेस्ट इसके थ्रू जा रही है, ठीक है। तो आपका जो नेटवर्क है वो हाइड हो गया। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट यही है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब हैकिंग से बचाता है, इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपने youtube.com अभी सर्च किया था, ठीक है, आप थोड़ी देर बाद और youtube.com सर्च करते हो इंटरनेट के लिए, तो ये क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर में कैसे होता है, कैसे जिसमें ये आप जिस भी वेब पेज वेब सर्वर की रिक्वेस्ट करते हो वेब पेज के लिए, वो उसकी इन्फॉर्मेशन को इस कैसे में सेव कर लेता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम youtube.com सर्च करोगे और प्रॉक्सी सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी तो प्रॉक्सी सर्वर अपने कैसे में चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर वेब पेज पहले भी, मतलब
सर्च किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर उसके कैसे में YouTube.com से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसे यही से रिप्लाई कर देना। तो जो दूसरा बेनिफिट है वो है स्पीड का। अब YouTube.com के लिए आप पूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं गए, सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर तक गए और प्रॉक्सी सर्वर ने उस वेब पेज को आपके पास रिप्लाई कर दिया। तो इसका दूसरा बेनिफिट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम और बेनिफिट की। प्रॉक्सी सर्वर का तीसरा बेनिफिट है कि अगर आपका ये नेटवर्क है, आपके यहाँ ऐसा रिज्यूम कर लो कि आपका ये नेटवर्क है या बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं, मान लो 50 कंप्यूटर लगे हैं, अगर ये 50 कंप्यूटर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इन 50 कंप्यूटर को एक एक पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप अपने नेटवर्क में एक प्रॉक्सी सर्वर लगा देते हैं और इस पर पब्लिक आईपी कॉन्फिगर कर देते हैं, ठीक है, तो ये 50 कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को इंटरनेट तक ले जा भी सकता है और इंटरनेट से रिप्लाई उसका दे भी सकता है। तो आपको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग से पब्लिक आईपी एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस से भी आपका काम चल सकता है। आप एक कंप्यूटर के ऊपर एक, दो या दो से ज़्यादा भी प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। तो प्रॉक्सी सर्वर का सबसे पहला बेनिफिट सिक्योरिटी, आपका जो नेटवर्क है वो हैकिंग से बच जाता है क्योंकि आपका जो ये नेटवर्क है वो हाइड हो जाता है इंटरनेट के लिए। दूसरा बेनिफिट, अगर आप किसी वेब पेज को सर्च करते हो और आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करते हो तो उस वेब पेज की इंफॉर्मेशन अगर प्रॉक्सी सर्वर के कैसे में है तो आपका जो रिप्लाई है प्रॉक्सी सर्वर वहीं से कर देगा, जिससे आपका टाइम बच जाएगा और जिससे आपके नेटवर्क की स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरा बेनिफिट है ये है कि आप एक ही आईपी एड्रेस से सब काम कर सकते हो, आपको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग पब्लिक आईपी एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉक्सी सर्वर का और एक यूज़ है कि आप इसकी लोकेशन चेंजेबल कर सकते हो, मतलब जैसे मेरा एक कंप्यूटर है और मैंने इसमें प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल करके रखा है और मैंने 2, 4, 6 प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल करके रखे हैं और सबकी मैंने लोकेशन अलग अलग रखी है, किसी की इंडिया रख दी, किसी की जापान रख दी, किसी की अमेरिका रख दी। आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि हैकर्स लोग अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं, तो पॉसिबल हो पाता है प्रॉक्सी सर्वर के कारण। आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल करना बताऊँगा और उसका यूज़ करना बताऊँगा। आज का जो हमारा टॉपिक था उसका बेसिक समझना, तो प्रॉक्सी वर्ड का मीनिंग होता है रिप्रेजेंट समवन एल्स। यहाँ जो ये प्रॉक्सी सर्वर है, जैसे मैंने मार्केट में बताया था कि आपका दोस्त जैसे मार्केट से आपके लिए कुछ लेके आ रहा, ठीक प्रॉक्सी सर्वर भी यहाँ वही काम कर रहा है, बट ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, नॉर्मल लैंग्वेज हो गई। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।